नर्सिंग कॉलेज बंद, फिर भी काम चोरी कर रहा नर्सिंग स्टाफ, जुगाड़ से यहाँ लोगों की ली ड्यूटी, अब मचा बवाल। बता दें कि शामशा मेडिकल कॉलेज अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेज पर ताला लगा दिया गया है। अब जाकर यहाँ पदस्थ ट्यूटर व अन्य स्टाफ को भी हटाया गया है। इसमें भी भेदभाव किया गया, वार्डों में ड्यूटी न लगाकर आरामदायक जगह पर पदस्थ कर दिया गया है। इसका नर्सिंग एसोसिएशन ने विरोध किया है, कॉलेज में हंगामा किया और डीन को ज्ञापन भी सौंपकर वार्डों में ड्यूटी लगाने की मांग की गई है। ज्ञात हो कि हाल ही में शासकीय नर्सिंग कॉलेज में ताला जड़ दिया गया था, कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई है। कॉलेज में रेगुलर स्टाफ नहीं मिले थे, शिक्षकों की पदस्थापना नहीं मिली थी, जीएमएच और एसजीएमएच के स्टाफ को ही अटैच कर पठन पाठन कराया जा रहा था। अब ताला लगने के बाद नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। नर्सिंग एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि जिन ट्यूटर को राहत दी जा रही है वे वर्ष 2015 और ज़्यादातर स्टाफ 2021 में पदस्थ हुए हैं। उनसे कई सीनियर स्टाफ रोटेशन में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट ड्यूटी वार्डों में कर रहे हैं। सीनियर नर्सिंग स्टाफ और विकलांग स्टाफ तक की वार्डों में ड्यूटी लगाई गई है, जिसका विरोध अब किया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज मेडिकल कॉलेज के डीन को नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। हमारा मामला ये है, नर्सिंग स्टाफ से हमारे नर्सिंग के कार्य छोड़ के अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे नर्सेज की वैसे ही बहुत ज्यादा कमी है। 800 जगह की वैकेंट है, 500 स्टाफ हमारा काम कर रहा है और इनसे कहीं आभा का आईडी बनवाई जा रही है, जो काम एक बार बॉय भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और इनकी ड्यूटी हमारी एक तो पीएससी वहाँ पे है बोदाबाग में, वहाँ पे लगाई जा रही है। तो हमारी मांग ये है कि उनके हमारे बार में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, अन्य कार्य न कराया जाए। समस्या आ रही, मरीजों की सेवा नहीं हो पा रही है, वार्डों में स्टाफ की कमी है और जो वार्ड में काम कर रहे हैं स्टाफ उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है इस चीज का। सत्यधर शर्मा, नर्सिंग एसोसिएशन। मैं सुपर स्पेशलिटी में क्या एसएसबी में एज ए मैटर्न वर्क कर रही हूँ। मेरे यहाँ अभी एक नया लड़का ज्वाइन किया है, शैलेन चंदेलकर, उसके लिए डॉक्टर रेड्डी मेरे को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मतलब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। उसको चेंज करिए, आप यहाँ ड्यूटी नहीं लगा सकते, वहाँ ड्यूटी नहीं लगा सकते, ये जबकि मेरे अधिकारी नहीं, तो ये इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। मेरे यहाँ वैसे भी स्टाफ की इतनी क्राइसिस है, न्यूरोलॉजी वार्ड खुल गया है, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू है, स्टाफ है नहीं। मैं बार बार डिमांड भेजती हूँ जीएमएच के लिए और स्टाफ आती तब मैं काम करा पाती हूँ, और इनको है कि वहाँ से स्टाफ को हटाने, ये कहाँ तक न्याय संगत है। और ये मेरे अंडर का काम है, मुझे नर्सिंग मैनेज करना है, ये बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इनका क्या पर्सनली स्वार्थ है, अब ये डॉक्टर रेड्डी जाने और शैलेन चंदेलकर जाने। हमारे अधिकारी डीन है, सुपरिंटेंडेंट है, डॉक्टर रेड्डी बीच में क्यों आगे घुसते हैं हम लोग के बीच में। हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे, ना पसंद करेंगे। हम जिस संस्था में है उस संस्था के अधिकारी हमारे ऊपर रोक जमा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, न कि अदर पर्सन। डॉक्टर भास्कर रेड्डी एनाटॉमी विभाग में कुछ पोस्ट में है, लेकिन ये हर जगह अपनी काम